गाइस, सो आज है हमारा थर्ड डे और हम निकल गए हैं ज़ुरिक के लिए, क्योंकि ज़र्मेट का हमने 2 दिन का ट्रिप रखा था। उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ है भी नहीं करने के लिए, 2 दिन बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे। सो अब हम जा रहे हैं ज़ुरिक। ज़ुरिक के लिए हमें यहाँ पे ज़र्मेट के जो स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन, वहाँ से जाना है रेलवे स्टेशन पे। वहाँ से ज़ुरिक HB की ट्रेन लेनी है एंड वो जाती है लाइक बीच में आपको एक जगह चेंज करना पड़ता है और फिर आपको लगते हैं मैक्सिमम 3.5 से 4 आवर ज़ुरिक पहुँचने में। तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे 10 मिनट्स का रेलवे स्टेशन है हमारे होटल से। तो हम निकल गए हैं, पहाड़ कुछ इस तरीके से हैं। ज़ुरिक में ज़्यादा स्नो नहीं है, ज़्यादा माउंटेन्स भी नहीं है, थोड़े बहुत है। बट ज़ुरिक के आसपास लुसर्न हो गया, एक स्कॉल्फ करके पता नहीं कोई जगह है, 3-4 जगह हैं उसके अगल बगल, सिटीज़ है मतलब। तो वहाँ से ट्रेन करके आप 40-30 मिनट्स की उधर जा सकते हैं। तो लेट्स सी में क्या क्या हम आज क्या क्या कवर कर पाते हैं। अभी तक हमारा प्लान नहीं बना है कि हमको क्या कवर करना है, सो लेट्स सी हम क्या क्या कवर कर पाएंगे। और ट्रेन में बैठ के हम प्लान करेंगे, 3.5-4 घंटे लगने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं हम। यहाँ पे सब जगह से वुडन के घर हैं, लकड़ियों के ही हैं सब जगह, और लकड़ियों के अलावा भी हैं बट ज़्यादातर लकड़ियों के घर हैं। और आगे अंकुर जा रहे हैं 2 बैग लेके। ये है मेरा आज का आउटफिट, वाइट डेनिम, ब्लैक बूट्स और ये अंदर। ये स्कीवी जो है ना, तो हाईनेक पहनना पड़ता ही है यहाँ पे, तो गले में बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैं यही लेके आई थी, एक ये और एक ही ब्लैक कलर भी, ताकि अंदर पहनने में सही रहे। सो चलते हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एंड फिर आगे का रास्ता देखते हैं। सो गाइस, हम ट्रेन में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर, हालत ख़राब हो गई। और बाहर ट्रेन के बाहर उस साइड दूसरी ट्रेन है, हम जो ट्रेन, हमारी जो ट्रेन थी वो थी विस्प के लिए जो जा रही है, वो 2 बार चेंज करना पड़ेगा, और ये 3.5 घंटे में उनको पहुंचा देगी। सो पहाड़ में घिरा हुआ है ये, एंड कई कई पे तो पूरे पहाड़ को कट करके बीच में से बनाया है, बीच में से टनल टाइप को बनाया है। स्टेशन पे एंड नाउ वी आर गोइंग टू लिंट चॉकलेट। जो लिंट चॉकलेट है यहाँ का फेमस, वो हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ का टिकट्स हमारा 1 बजे का है, अभी 12 बजे हैं, हाफ एन आवर लगेगा जाने में। पूरा अंदर म्यूजियम टाइप है, वो देखेंगे यार, बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आएगा देखने में। यार देख सकते हैं, आ गए हम लिंट होम ऑफ चॉकलेट्स में, एंड यहाँ से एंट्री है, बहुत सारे टूरिस्ट है। ये एंट्री है, चलिए एंट्री करते हैं। टिकट हमने ऑनलाइन ही ले ली थी। सही लग रहा है, ये एक्चुअली में चॉकलेट है या कुछ और है?
सिक्के से कितना करेंसी की तरह बोल रहा है। बीन को यूज़ करते थे करेंसी के तरह, जैसे हमारे गांव में गेहूं को करते हैं ना करेंसी की तरह, गेहूं देके सामान ले लिया वैसे बीन्स। अब मशीन से ऐसे बनता है, 1980 का है ये, फिर प्लास्टिक के बने बड़े बड़े वो बनने शुरू, फिर एक वो टॉब्लरॉन हुआ। वेट वेट वेट, पीपल कैन ट्राई इट लिटरली, डिफरेंट डिफरेंट है, वो डार्क चॉकलेट था ये लाइट, एंड देन वो वाइट चॉकलेट है। How's it? गरम गरम खा कर जा। No. चलो चल। सो हम लोग ज़ुरिक एयरपोर्ट पर उतर गए हैं और हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। और ज़ुरिक एयरपोर्ट मतलब यहीं से उतर के हमें अपने होटल जाना था, तो यहाँ पे इंडिया का भी मिल रहा है खाना चूज़ करने के लिए। सी इंडिया, तो हम इंडिया चूज़ करेंगे ये। सो अब हम आ गए हैं ज़ुरिक के होटल में, ये हमने 2 दिन के लिए बुक किया था क्योंकि ज़रमैट से यहाँ आने में 4 घंटे लगते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने एक दो ये होटल बुक किया 2 दिन के लिए। काफ़ी अच्छा 4-स्टार होटल है ये, एंड इसका प्राइस 10,000 समथिंग एक दिन का है, 10,000 से 12,000 रुपीज़ पर नाइट का है ये। इस होटल का नेम है हिल्टन एयरपोर्ट होटल, और ये यहाँ एयरपोर्ट से कम 15 से 20 मिनट दूर है। आपको सब कुछ मिल रहा है, बॉडी वॉश, हेयर कंडीशनर, फेस सोप, एंड देन बाथ टब भी है काफ़ी बढ़िया। ये होटल मैंने स्पेशली बाथ टब के लिए किया था। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ये वार्डरोब मिल जाता है, इसमें आपको आयरन करने के लिए भी मिल रहा है, ये अच्छी चीज़ है। देन यहाँ पे ये लॉकर भी मिल रहा है, यहाँ पे ये कॉफ़ी मिल रहा है आपको एक्सप्रेसो के लिए। देन ये है हमारा रूम, ये डबल बेड है, ये टेबल वर्क के लिए, एंड टीवी है,
बहुत अच्छा सा ह्यूज मिरर है यहाँ पे रेडी होने के लिए, एंड देन अगेन यहाँ पे आपको एक अलग से चेयर मिल रही है। सो या मुझे ये होटल 4 स्टार अच्छा लगा प्राइस के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि आपको यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं मिलते हैं लाइक कम प्राइस में। सो अब हम जाने वाली एक और जगह है, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कहाँ जाएंगे हम। सो अब हमने ट्रेन ली है एंड अब हम जा रहे हैं स्कॉफहाउसन, जहाँ पे है राइन फॉल्स जो कि काफ़ी फेमस है स्विट्ज़रलैंड में। तो जैसे कि हम ज़ुरिक में थे तो ज़ुरिक से हमको स्कॉफहाउसन जाने में 50 मिनट्स लगे, 50 से 60 मतलब वही एक घंटा आप मान के चलिए। सो हम रेनफॉल पे उतरे हैं एंड यहाँ पे वाओ ब्यूटीफुल प्लेस, ओह माय गॉड अमेजिंग, बहुत ही अच्छी जगह है यार, वाओ दिस इज रियल ब्यूटी। ये पता है क्या है, ये पानी फ्लो कराने के लिए डैम टाइप का बनाते हैं। चलो वो रेलवे ट्रैक है, तभी तो हम देख रहे थे ना ये। गाइस बस यही है देखने को, मैं आपको और कुछ नहीं दिखा सकती हूँ, बट ये जो व्यू है बहुत ब्यूटीफुल है। लाइक वीडियो में आई डोंट नो कैसे लग रहा है, बट सामने से इट्स ब्यूटीफुल, लाइक ऐसा हमने सीनरीज में देखा होगा, बट ये बहुत अच्छा है। इसकी जो वॉइस है ना पानी की, वो सुनने में इतना सूदिंग लग रहा है। सो गाइज राइन फॉल से आते आते हमको 7:30 हो गया था, एंड 7:30 के बाद यहाँ पे कुछ भी खुला नहीं रहता है, लाइक जो सुपरमार्केट्स भी होते हैं सब कुछ 8 बजे बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं रोड मतलब बहुत खाली रोड थी, और स्टेशन्स पे भी बहुत कम लोग थे, तो ऑलमोस्ट सब बंद हो गया था। तो वहाँ से फिर हम सीधे हमने अपना डिनर लिया और हम होटल पर चले गए थे, एंड दैट्स इट। ये था हमारा फर्स्ट डे इन ज़ुरिक। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा then hit the like button and subscribe to my channel. Thank you. Bye.